नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। बगान मंडल क्षेत्र के गंडक पार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पिपरासी प्रखंड के पिपरासी पीपी तटबंध के पास नदी में लकड़ी छानने के क्रम में एक युवक के डूबने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पिपरासी तटबंध पर गंडक विभाग में कार्यरत चौकीदार बीगन चौधरी का 34 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार, जो पिपरासी थाना क्षेत्र के ग्राम भिलौटा टोला का रहने वाला था, बुधवार को पीपी तटबंध के समीप गंडक नदी के बाढ़ में बहकर आ रही लकड़ी छान रहा था। उसी क्रम में नदी की तेज धारा में बह गया है। हालांकि परिजनों ने काफी खोजबीन किया किंतु सुबोध नहीं मिला। वहीं परिजनों ने एनडीआरएफ की टीम को इस पूरे घटना को लेकर अवगत कराया है, जिसको लेकर गुरुवार को पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने गंडक नदी में शव की खोजबीन शुरू कर दिया है। घटना की जानकारी देते हुए पिपरासी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी एनडीआरएफ की टीम गंडक नदी में शव की तलाशी कर रही है। हालांकि नदी में बाढ़ के कारण खोजबीन में काफी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं मौके पर देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा रही। खबर लिखे जाने तक एनडीआरएफ की टीम द्वारा शव की खोजबीन जारी रही।